everyone, how are you? We all are fine. This is Anushan and welcome back to another video. मैं जा रही हूँ अपने इंस्टीट्यूट, पहले जाऊँगी आंटी के पास, उनको बोल दिया चाय बनाने के लिए और साथ में ब्रेड खा लेती हूँ, ब्रेड बटर और बस फिर चलो कहते हैं इस वीडियो की शुरुआत मत रानी के नाम लेके चाय मतलब। किसी ने इस पंखा चला लिया, पंखे की हवा बिल्कुल भी नहीं है। आज का मौसम यार ठीक है, हवा ही चल रही है और अभी बज रहे हैं 9:30 और अभी खाना खाने लगे, 10 बजे तक पहुँचना होता और अभी खा पी के फिर आराम से चलते हैं। उसकी स्नैप नहीं मुख कर रही आंटी, मुँह खिला नहीं रही खाना यार। पहुँच गई यार, अभी लिफ्ट मंगाई है कहाँ पहुँच गई, फर्स्ट फ्लोर में पहुँचे अभी आते हैं फिर चलते हैं। चलो उसने बुला लिया हमको या अंदर कोई होगा तो नहीं देखना, हम दोनों को देख के कोई बता नहीं सकते, दोनों एक ही जगह जा रहे होते हैं। चल चल, वेलकम टू आवर नेस्ट। कहाँ है इनका घोंसला? इसको ना उठा नहीं सकती क्योंकि ये अब तो प्रेग्नेंट है, क्यों प्यारी है बस। ओके यार मैं फ्री हूँ, बस चले घर पे। वो आ रही कौन है? वो तो खेल रही है यार उनके साथ, बुला के लाते हैं। आ जा मुझे यार, आंटी के पास आंटी बना रही है खाना और खा रहे हैं थोड़ी देर में, फिर चलते हैं रूम में। और अभी बज रहे हैं 2 बज रहे हैं और मैं जल्दी फ्री हो गई हूँ। तो यार अभी बज रहे हैं 5:30 और वैसे मैं को इसके बारे में इतना बोलना नहीं था क्योंकि मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ। अभी यूट्यूब पर मेरे को 2 साल होने वाले हैं अक्टूबर में और कभी मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं है हेटर्स के लिए, मतलब मुझे पता ही नहीं कि लोग किसी को हेट कैसे कर लेते हैं, मतलब क्यों किसी को नफरत करनी है जब तुम उसको पर्सनली नहीं जानते। और काफ़ी टाइम से मतलब मुझे ऐसे हेट कमेंट्स भी आ रहे थे कि मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था, थोड़ी डिमोटिवेट भी हो रही थी। बट सबको पता है कि मेरा चैलेंज चल रहा था 365 डेली व्लॉगिंग का और मुझे नहीं पता था कि हालात आगे जाके ऐसे भी होंगे कि मैं कुछ ज़्यादा ही बिजी हो जाऊँगी अपनी खुद की ज़िंदगी में और मैं अपनी डेली की जो व्लॉगिंग है उसमें इतना ध्यान नहीं दे पाऊँगी। फिलहाल मेरी अभी पढ़ाई ख़त्म हुई है, ग्रेजुएशन मेरी अभी ख़त्म हुई है, मुझे आगे क्या करना है मुझे अभी ये भी देखना है, तो मैं उस चक्कर में फंसी हुई हूँ। अभी मैं इंस्टीट्यूट वगैरह जाती हूँ तो आपको पता ही है, तो मतलब मैं उस चीज़ में ज़्यादा बिजी होती हूँ। मैं 2-3 बजे तक आती हूँ, फिर खाना वाना खा के थोड़ा थक जाते हैं, फिर सो जाते हैं, मतलब ऐसे ही चलता है मेरा नॉर्मली, सारे दिन मेरे ऐसे ही होते हैं। कुछ लोगों को बहुत सपोर्ट भी करते हैं इस चीज़ के लिए कि हाँ आप डेली डाल रहे हो अच्छा है, बट हाँ ऐसा होता है। मैं भी काफ़ी बार वीडियोज़ में बोलती हूँ कि यार मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ मेरे कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, अगर मेरा चैलेंज नहीं चल रहा होता तो मैं रोज़ ऐसी वीडियोस तो नहीं डालती, मैं बेशक गैप ले लेके डालती बट हाँ अच्छी वीडियो डालती कि ताकि आपको भी थोड़ा ज़्यादा लंबी वीडियो मिले, मतलब 10 मिनट तक की वीडियो मिले और अच्छा मिले। यार कौन नहीं चाहता कि वो, कौन क्रिएटर ऐसा नहीं चाहता कि वो अच्छी वीडियो अपलोड करे, उसको अच्छे व्यूज़ आए या फिर लोग उसको अप्रिशिएट करें, कौन ऐसा नहीं चाहता। सब चाहते हैं ऐसा कि वीडियो थोड़ी लंबी बने, उसको वॉच टाइम ज़्यादा मिले। हालात ही ऐसे हैं यार कि मैं नहीं दे पा रही हूँ ध्यान, ऐसा भी नहीं मैं कि बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हूँ, मैं से जितना हो पा रहा है मैं कर रही हूँ। ये भी नहीं आपको शेयर से बोल देंगे एहसान थोड़ी कर रही हूँ, मैं किसी के सर पर एहसान नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी खुद की ज़िंदगी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और कोई बोलता है कोई कंटेंट नहीं है, लड़की है, लड़की को देखने आ जाते हैं सब, व्यूज़ ले रही है लड़की के नाम पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कुछ साल, मतलब 1 साल पहले की मेरी वीडियोस देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ इसने ऐसी वीडियोस बनाई हैं कि लोग उसको फॉलो करें, लोग उसको अप्रिशिएट करें, मतलब लोग अभी जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो पहले से जुड़ गए हैं और उनको मेरी ज़िंदगी अच्छी लगती है देखना, मतलब मेरा घर मेरा परिवार जो भी है सब उनको अच्छा लगता है देखना। फ़िलहाल मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं हूँ तो वो ये सब नहीं देख पा रहे, मिस भी करते हैं मुझे पता है, लोग कमेंट्स करते हैं। ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, मतलब किसी को हेट तो नहीं देनी चाहिए ना यार, कि अगर बंदा किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो उसको डिमोटिवेट भी नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। अपनी अपनी सबकी थिंकिंग होती है, मैं किसी को वैसे नहीं बोल सकती हूँ,
पर हाँ, अगर मैं कहीं गलती कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे बताओ, मेरे को शेयर करो कि कहाँ तनु तो कहाँ गलत है, कहाँ नहीं गलत है, या फिर ये चीज़ सही नहीं हो रही है। मैं ट्राई करती हूँ कि अब ज़्यादा लाइव भी आऊँ ताकि आप लोगों से इंटरेक्शन भी बनी रहे। और जो भी है यार, मैं अपनी तरफ से तो एफर्ट्स लगा रही हूँ। अब कुछ ही दिन रहते हैं, मतलब 365 से अभी 49 नंबर वाली वीडियो भी है कि जो 49 वीडियोज़ रहती हैं अब तो। मतलब मैं भी चाहती हूँ यार ये चैलेंज मैं अच्छे से कंप्लीट करूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी की हेट लेके ये चैलेंज कंप्लीट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, ऐसा है कि अब मैं एफर्ट्स अब खुद से कोशिश करूँगी कि मैं और ज़्यादा लगाऊँ, क्योंकि यार अभी मेरी पढ़ाई भी चल रही है, मुझे पढ़ाई में भी ध्यान देना है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यूट्यूब में फुल टाइम अभी तो नहीं बना पा रही हूँ। मैंने पहले यूट्यूब को फुल टाइम भी बनाया हुआ है, क्योंकि तब ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, ग्रेजुएशन हो रही थी, वो नॉर्मल पढ़ाई चल रही थी, वो तो मैं कर लेती थी मैनेज वगैरह। अब थोड़ा है कि मेरे से मैनेज नहीं हो पा रहा है, बट चैलेंज की वजह से मुझे वीडियो रोज़ डालनी पड़ती हैं। और मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि मैं अपनी ज़ुबान से मुकर जाऊँ कि हाँ, मैंने बोला 365 डेज में कंटिन्यू ब्लॉगिंग करूँगी और अब ऐसा बीच में छोड़ के जा रही हूँ। ऐसा कुछ मुझे करना नहीं है, इसलिए जो है वीडियोज़ कुछ लंबी भी नहीं आ पा रही है, मतलब 4-5 मिनट की होती हैं। लोग वो भी देखते हैं, जो देखते हैं उनको बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से। और हाँ, बस यही बोलना था यार, क्यों किसी को हेट करनी है? अगर आप मेरे को नहीं जानते हो या फिर अगर आपको मेरी वीडियोज़ देखना नहीं पसंद है तो नहीं देखो यार, कोई बात नहीं। बट ऐसे हेट देना, क्योंकि आपको नहीं पता ना अगला बंदा किस सिचुएशन में बैठा हुआ है और आपका कमेंट उसको और कितना डीमोटिवेट कर देगा। बाकी तो चलो, प्यार करने वाले भी बहुत हैं यार, प्यार करने वाले ही तो हैं जो मेरे को इस मुकाम तक लेके आए, नहीं तो मैं तो कहाँ यार। सिर्फ 365 बहुत बोलने की बात है कि रोज़ बंदा व्लॉग बना के डाले। और मेरा तो व्लॉग भी ऐसा चल रहा था कि अभी सुबह शूट करके आऊँगी, शाम को मतलब पूरा अपलोड करूँगी, और यहाँ पे तो वाईफाई भी नहीं है, उसके लिए भी इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। मतलब काफ़ी कुछ है यार जो मैं बताती भी नहीं हूँ, क्योंकि जो मैं फेस कर रही हूँ और मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ें हैं यार, बंदा खुद ही हैंडल कर लेता है। यही सब बोलना था मुझे कि जो जो मुझे प्यार करते हैं उसके लिए शुक्रिया बहुत बहुत। और लास्ट के कुछ वीडियोज़ रहती हैं, फिर उसके बाद मैं गैप लेके वीडियोस बनाऊंगी ताकि आपको भी अच्छा कंटेंट मिले और मेरी ज़िंदगी जो चल रही होगी वो आपको अपडेट तो मिलता ही रहेगा। फिलहाल तो मेरी ज़िंदगी में यही सब चल रहा है। कुछ मसाला तो मैं ऐड नहीं कर सकती, क्योंकि हम सबकी ज़िंदगी, मैं अपनी ज़िंदगी शेयर कर रही हूँ आपके साथ, और सबकी ज़िंदगी ऐसी होती है। कोई भी ऐसा नहीं होता कि रोज़ ही धुंधड़ा गया या फिर मेले लगे होते किसी की लाइफ में, ऐसा कुछ भी नहीं होता। नॉर्मल ज़िंदगी है, मैं नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल ज़िंदगी चलती है मेरी। सुबह मतलब इंस्टीट्यूट से ऑफिस, दोपहर को सो जाओ, फिर खा पी के फिर वही नॉर्मल सो जाओ, या फिर संडे को बाहर चले जाओ। मतलब अभी तो ऐसे सब चल रहा है, बस ऐसे कुछ मुझे आपको बताना था। और थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए। चलो, हेटर्स को भी प्यार यार मेरी तरफ से, या किसी को नफरत करनी है मेरे को। मेरे घर वालों ने कभी सिखाया ही नहीं कि किसी को नफरत की नज़र से देखो, हर किसी में अच्छाई होती है यार, कोई बात नहीं। बस यार ये कुछ बातें करनी थी मुझे आपके साथ, मैंने शेयर आज ये सब भी कि हाँ, मैं काफ़ी कुछ फेस कर रही हूँ, बस मैं बता नहीं पा रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसे रीजंस है जो मैं अभी आपको नहीं बता सकती। बट हाँ, इन फ्यूचर जब मैं कंफर्टेबल हो जाऊँगी फिर मैं आपको सब कुछ बताऊँगी, कि हालात ऐसे नहीं है कि मैं सब आपको बताऊँ। और बस अभी तो ऐसे सब चल रहा है, अभी थोड़ा टाइम खाने पीने चले जाएंगे, फिर वही आंटी के पास ही खाना, अभी शाम तो हो ही गई, अब चाय पीते हैं। और ये कुछ थी फिर आज की वीडियो, गप्पे शप्पे मार लिया आपके साथ, थोड़ी अच्छा लगा बात करके भी। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।